अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मिस खान और मैं आपको बताऊंगी आज साइक्लोजेस्ट किस तरह से यूज़ करते हैं। साइक्लोजेस्ट पिजेरीज 400 mg का आज मैं यूज़ बताऊंगी आपको। साइक्लोजेस्ट बेसिकली जो है प्रोजेस्ट्रॉन है। प्रोजेस्ट्रॉन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसका जो काम है आपकी यूट्रस की एबनॉर्मल लाइनिंग को ये पतला करता है। और साइक्लोजेस्ट पिजेरी 400 mg का बेसिकली मैं आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ बता रही हूँ कि आप इस तरह से लेट जाएं, वॉशरूम वगैरह से होकर आ जाएं। रात का टाइम बेहतर टाइम है इसे यूज़ करने का, क्योंकि आप उस वक्त थोड़े काम वगैरह कम कर रहे थे, चहलकदमी आपकी कम हो जाती है। 2 से 3 घंटे लेता है ये साइक्लोजेस्ट पिजेरी आपके विजाइना में मेल्ट होने में। ऑयली जैसा लगता है ये बेसिकली विजाइनल इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। और प्रोजेस्टेरोन है तो आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखता है। आप इस पोजीशन में भी लेट सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ कीजिए। आप पिजेरी को इंसर्ट कर दीजिए, 1 इंच तक आप अपनी विजाइने में इसको इंसर्ट करें। हैंड वॉश हो आपके या ग्लव्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इंसर्ट करने के बाद थोड़ा और अंदर आप डालेंगे, इंसर्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया किस तरह से आपकी विजाइने में इंसर्ट ये चला जाएगा। बेसिकली ये मिसकैरेजेस वगैरह से बचाएगा आपको। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं साइक्लोजेस्ट पिजेरी के। वैसे तो प्रोजेस्टेरोन के बहुत ही फ़ायदे हैं फीमेल्स के लिए, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं तो उस पर भी आप ज़रा सा देख लें। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना और एब्डोमिनल पेन वगैरह, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, थोड़ा सा ब्लड फ्लो तेज़ हो जाएगा, तो ये भी साइक्लोजेस्ट पिजेरी का या साइक्लोजेस्ट का साइड इफ़ेक्ट है। हॉट फ्लैशेस क्या है? मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का रुक कर आना या सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन वो सूरतें जिसमें आप साइक्लोजेस्ट पिजेरीज या साइक्लोजेस्ट नहीं ले सकते। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स यूट्रस में नहीं है बच्चा ट्यूब वगैरह में कहीं बन गया, ठीक है, लेकिन यूट्रस में नहीं है, इसका मतलब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है और दिल का कोई आपको मर्ज है या जिगर का कोई मर्ज है तो साइक्लोजिस्ट बताइए, साइक्लोजिस्ट आप यूज़ नहीं करें, अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको खुदा न खासा छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। कंसीव जब आप कर ले तो अपने डॉक्टर को हर अपने बारे में जो बीमारी हो, जो कुछ भी आपको होता है, आप उसके बारे में लाजमी अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो इस हिसाब से आपको ट्रीट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।